अच्छा, इसके बाद अंडर और ओवर भी होगा। अंडर ओवर क्यों? क्योंकि कॉस्ट में अंडर और ओवर होता है, अंडर ऑब्जेक्शंस ओवर ऑब्जेक्शंस। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं पीआर ट्रांसफर। बढ़े आगे। देखो, हम लोग जब वहां तक पहुंच गए तो अब यहां पर एक एंट्री होता है फिनिश गुड्स, जो कि ट्रांसफर किया जाता है। उसका फाइनेंशियल अकाउंटेंट में कोई एंट्री हम लोग नहीं करते हैं ट्रांसफर करने का, बट यहां पर तो करना पड़ता है। यहां पर क्या हुआ, जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस था, जो अभी तक डेबिट हो रहा था, सबको टोटल करके हम लोग क्रेडिट करेंगे और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। सामान को बेचेंगे, कैश आएगा या बैंक आएगा या चेक आएगा, जो भी आएगा सेल्स। यहां पर भी कैश की जगह कॉस्ट, बात तो बराबर है, बट यहां पर सेल्स नहीं लिख रहे हैं, यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। उसमें से सारा कॉस्टिंग पीएल में डाल दिए हम लोग, उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट या टू कॉस्ट। और यहां पर तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लॉस होगा तो उल्टा एंट्री हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड फिर एग्जाम्पल लीजिए,